मायसेल्फ ममता शर्मा, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मेरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन 3। सब्जेक्ट कोड CD308। यूनिट नंबर 6। टॉपिक 2, ड्राफ्ट ऑफ प्लेन कुर्ता पार्ट 1। इसके अंतर्गत मैं आपको प्लेन कुर्ते के फ्रंट और बैक पार्ट का ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। प्लेन कुर्ता। प्लेन कुर्ता महिलाओं व पुरुषों दोनों के द्वारा पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा प्लेन कुर्ता चूड़ीदार पजामा, सलवार अथवा लेगीज के साथ पहना जाता है, जबकि पुरुषों के द्वारा प्लेन कुर्ता ब्रॉड पजामा अथवा प्लेन पजामा, अलीगढ़ी पजामा, सलवार पठानी सलवार जैसे व चूड़ीदार के साथ पहना जाता है। महिलाओं व पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कुर्ते में जो मुख्य अंतर है वह इस प्रकार है कि पुरुषों द्वारा जो पहना जाने वाला प्लेन कुर्ता है उसके अंदर फ्रंट में कुर्ता प्लैकेट तथा यहाँ कुर्ता साइड सी में कुर्ता प्लैकेट तथा स्टैंड कॉलर होना अनिवार्य है। इसकी जो स्लीव्स है वो प्लेन होती है और फुल स्लीव होती है। फैशन के हिसाब से आप चेंज करके इसमें अगर जैसे कमीज़ पहना जा रहा है तो उसमें स्लीव शॉर्ट भी हो सकती है। कुर्ता बनाने के लिए हमें जिन नापों की आवश्यकता होती है वे हैं कुर्ता लेंथ, वेस्ट लेंथ, चेस्ट, शोल्डर मेजरमेंट, नेक मेजरमेंट, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम एंड कॉलर डेप्थ। नेक का जो मेजरमेंट है वो अराउंड द नेक लिया जाता है जिस जगह हमारी कॉलर आती है। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम 0-1 कुर्ता लेंथ प्लस 1 इंच फॉर बॉटम फोल्डिंग एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस लेंगे। ये जो 1/2 इंच सीम अलाउंस का है जो हमारे शोल्डर लाइन पे आता है सीम अलाउंस वो इसमें ऐड है। इस प्रकार 0-1 का जो मेजरमेंट है ये हमारा कुर्ता लेंथ प्लस 1 इंच फॉर बॉटम फोल्डिंग एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस है। 1-2 हमारा 1 इंच फॉर बॉटम फोल्डिंग है। 0-3 वेस्ट लेंथ प्लस 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस मेजरमेंट है। 0-4 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस लेते हैं और ये हमारी आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट है। 4-5 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस। 3-6 का जो मेजरमेंट है वो हम 4-5 के मेजरमेंट से 1/2 इंच कम रखते हैं ताकि हमारी वेस्ट लाइन पर थोड़ा सा शेप आ सके, अर्थात इसे हम 3-6 इक्वल्स टू 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1.5 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस लेंगे। 2-7 एंड 1-8 ये मेजरमेंट हम लगभग बराबर लेते हैं, अर्थात 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 4 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस। अब हम 0-1 वाली लाइन को स्ट्रेट 4, 3 एंड 2 को लेते हुए जॉइन करेंगे और स्ट्रेट बेस लाइन बनाएंगे। इसके बाद 4-5 3-6 2-7 एंड 1-8 इसे भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा जॉइन करेंगे। अब हम 4-6 विथ अ स्ट्रेट लाइन एंड 6-7 एंड 8 विथ अ स्ट्रेट लाइन जॉइन करेंगे और ये हमारे कुर्ते का साइड सीम का शेप लाइन जो है हमारी ये साइड सीम लाइन है रेडी हो गई है। अब हम 0-9 जो मेजरमेंट है ये लेंगे 1/2 ऑफ शोल्डर प्लस 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस। 4-10 का जो मेजरमेंट है ये हमारा है 1/2 ऑफ शोल्डर, इसमें हमारा सीम अलाउंस इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमने जो 1/2 इंच हम आर्म होल को आगे की तरफ लेकर के शेप देते हैं वो हमने इस लाइन में यहीं पे माइनस कर दिया है।
अब हम 0 टू 9 एंड 9 टू 10 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा जॉइन करेंगे। 9 टू 11 1 इंच और 1.5 इंच फॉर आर्म शोल्डर स्लोप, ये हम शोल्डर स्लोप के लिए मेजरमेंट लेते हैं, कम से कम 1 इंच और मैक्सिमम इसे 1.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद जो 10 से 12 का पॉइंट है ये हमारा 2 इंचेस है। हमें जो फ्रंट में आर्म होल के शेप की जो गहराई रखनी है वो यहाँ से 2 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमें 12 की लाइन से नीचे तक शेप नहीं देना है, इसके ऊपर ही हमारा आर्म होल का शेप फिनिश हो जाना चाहिए। इसके बाद हम 0 to 13 1/5 ऑफ नेक मेजरमेंट फॉर नेक विड्थ एंड 0 to 14 1/5 ऑफ नेक फॉर नेक डेप्थ, ये हम इसे मार्क करके और कर्व लाइन के द्वारा जॉइन करेंगे। इसे जॉइन करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम इसे राउंड में शेप नहीं देते हैं, इसे हम हल्का सा वी शेप देते हुए जॉइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना कॉलर फिट करना होता है। अब हम 13 टू 11 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा जॉइन करेंगे एंड 11, 12 एंड 5 को स्लाइड कर्व के द्वारा जॉइन करेंगे, जैसा कि आपने डायग्राम में इस प्रकार देखा है। अब ये देखिए कि हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। इसके अंदर अब हमें स्लिट मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें जो कुर्ते की टोटल लेंथ है उसका 1/3 लेना है, इट मीन्स जैसे 42 है इसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो इसका मेजरमेंट हमारा 14 इंचेस आता है। अब हम 8 to 16 यहाँ पे 14 इंचेस मार्क करेंगे, यानी 1/3 ऑफ जो लेंथ है हमारी कुर्ते की वो 16 से 17, ये भी हम साइड सीम लाइन पर मार्क करेंगे। ये हमारा 1/12 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट है, जहाँ पे हमारी जो पॉकेट होगी वो यहाँ पे फिट होती है। 17 से 18 जो है ये हमारा पॉकेट माउथ है, जिसका मेजरमेंट हम 1/6 ऑफ चेस्ट रखते हैं। पॉकेट माउथ जो है वो हम अगर चेस्ट का मेजरमेंट 36 इंचेस से ज़्यादा हो तो भी हम 6 इंचेस ही स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे अगर 40 इंचेस, 42 इंचेस या 44 इंचेस है तो उसे हम उसके हिसाब से इंक्रीज नहीं करेंगे, 6 इंचेस हमारे लिए मैक्सिमम ठीक है। और अगर चेस्ट का मेजरमेंट कम होता है, 32 इंचेस है, तब हम इसे 5.5 इंचेस से कम नहीं रखते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हमें 5.5 से लेके 6 इंचेस तक इसका पॉकेट माउथ हम रख सकते हैं। जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये यहाँ पे हमें इसमें प्लैकेट भी मार्क करनी है। 14 से जो 15 है ये हमारी प्लैकेट ओपनिंग के लिए है, 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1 इंच, ये हमारा पॉकेट यहाँ पे फ्रंट जो लाइन है इस पर हमारी प्लैकेट की मार्किंग है 15 तक, जिस पर हमारी कुर्ता प्लैकेट लगेगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और इसे हमें, क्योंकि ये ऑनफोल्ड है, इसका हमें एक ही पीस कट करना है। अब मैं आपको बैक पार्ट बताऊंगी। ये जो दोनों ड्राफ्ट के अंदर हमने दोनों पार्ट बनाए हैं इसका स्केल हमने 1:10 इंचेस यूज़ किया है। बैक पार्ट जो है ये बिल्कुल सेम फ्रंट पार्ट जैसा ही है, इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ आर्म होल की शेप का, और जो ये बैक नेक हमने बनाया है और ये जो शोल्डर लाइन है सिर्फ इसका डिफरेंस है, बाकी जो नीचे से ये वाला पूरा सेम एज इट इज़ वैसा का वैसा ही हमारा बैक पार्ट है। इसमें भी सबसे पहले हम 0 से 1 जो है कुर्ता लेंथ प्लस 1 इंच फॉर बॉटम फोल्डिंग एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस देंगे। 1 से 2 है ये हमारा 1 इंच है फॉर बॉटम फोल्डिंग। 0 से 3 जो है ये हमारा है वेस्ट लेंथ प्लस 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस। 0 to 4 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस। ये जो सीम अलाउंस है ये हमारा शोल्डर लाइन वाला है, जो हमने लेंथ में भी लिया है, वेस्ट लाइन पे भी लिया है और इसे हमने आर्म होल पे भी लिया है, क्योंकि ये सारे मेजरमेंट यहाँ से शोल्डर से ही स्टार्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 to 5 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस। 3 to 6 जैसा हमने फ्रंट में लिया था कि 4 to 5 का जो मेजरमेंट है उससे हम इसे 1/2 इंच कम लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1.5 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस देंगे। 2 to 7 एंड 1 to 8 ये मेजरमेंट्स भी जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था, 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 4 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस लेंगे। अब हम 0, 4, 3, 2 एंड 1 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा जॉइन करेंगे। इसके बाद 4 to 6
4 to 5, 3 to 6, 2 to 7 and 1 to 8 इन लाइंस को भी हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे। अब हम 4 to 6 को स्ट्रेट लाइन से एंड 6 to 7 and 8 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके इसका आउटर जो शेप है उसको रेडी करेंगे। और अब हम इसका आर्म होल वाला जो शेप है उसे मार्क करेंगे। सबसे पहले हम 0 से 9 जो है हाफ ऑफ अक्रॉस बैक या हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच लेंगे। देन 4 to 10 हाफ ऑफ शोल्डर प्लस 3/4 inch लेंगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हमने हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच था उससे हमने यहाँ पे हाफ इंच कम कर दिया था और यहाँ पे हम इसे 3/4 inch इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बैक का जो हमारा शेप है ये एक्स्ट्रा हो जाता है और ये फ्रंट में हमारा जो डीप लेना होता है वो शेप ईजिली हमारा आ जाता है। इसके बाद 9 to 11 जो है ये हम 1/4 inch लेंगे स्ट्रेट लाइन पर। और हम 0 से 9 and 9 to 10 स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। इस लाइन पर हम ये 11 पॉइंट मार्क करते हैं। 12 जो है ये हमारा 11 से 10 का मिड पॉइंट है। 0 से 13 1/5 ऑफ नेक मेजरमेंट है जो हमारा नेक की विड्थ है। 13 to 14 हमारा 1 inch है जो हम बैक साइड में यानी बैक नेक पर रेज करते हैं जिससे हम हमारा बैक का नेक शेप बनाएंगे। जब हम 14 to 0 है इसे हम स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करेंगे। इससे हमारा बैक नेक का शेप जो है ये कंप्लीट हो जाता है। 14 to 11 हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे। अब हम अपने आर्म होल का शेप बनाने के लिए 11, 12 and 5 को विथ अ स्लाइड कर्व हम इसे ज्वाइन करके इस शेप को कंप्लीट करते हैं। अब हमें नीचे की तरफ जैसे हमने फ्रंट पार्ट में स्लिट ओपनिंग और पॉकेट प्लेसमेंट के लिए जगह बनाई थी सेम वैसे की वैसी मार्किंग हमें यहाँ पर करनी है। 8 to 15 हमें 1/3 ऑफ टोटल लेंथ लेना है। 15 to 16 1/12 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट लेना है तथा 16 to 17 1/6 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट लेना है पॉकेट माउथ के लिए। ये हमारा जो बैक पार्ट है ये भी सेंटर से ऑन फोल्ड है। ये स्ट्रेट प्लेन में ही कटेंगे दोनों पार्ट और इसका भी हमें 1 piece ही कट करना है ऑन फोल्ड वाला। इस प्रकार हमने हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कंप्लीट किया है। इसके आगे के पार्ट में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्लेन कुर्ते की स्लीव पॉकेट प्लेकेट आदि बनाना सिखाऊंगी। धन्यवाद।